ये कौन सी वैरायटी है? ये जो आप देख रहे हैं जामुन, जो कि आजकल के बहुत ट्रेंड में है। मतलब जब से ये आया था थाई वाई जामुन आदमी भूल गए। अच्छा, हमारे हाथ में ये दो प्लांट हैं और ये एक ऐसे प्लांट है जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है। आप साहब जी खुद ही बताएंगे कौन सा प्लांट है। ये जो आप देख रहे हैं ये पिंग पोंग लोंगन है। ये जो आप देख रहे हैं ये फोर सीजन लोंगन है, मतलब साल में चार बार कम से कम फल आएगा। फोर सीजन लोंगन जो कि रेयर वैरायटी है। तो आम की कौन सी वैरायटी है? ये बहुत ही जो डिमांड में आजकल चल रहा है, सबसे ज्यादा डिमांडेड वैरायटी ये कॉटीमोन मैंगो वैरायटी शरीफा है। देखिए शरीफा ग्रीन आपने देखा होगा, ये गोल्डन देखा होगा, ये लाल शरीफा। ये जो है पैशन फ्रूट है। अच्छा, पैशन फ्रूट का प्लांट है ये। देखिए छोटे से पौधे में फल लगा हुआ है और ये हाइब्रिड वाला है जो ग्राफ। दोस्तों आज मैं मलिहाबाद आया हुआ हूँ और आपको कुछ ऐसे प्लांट दिखाने वाला हूँ जो कि आपने शायद सुने होंगे लेकिन देखे नहीं होंगे। और ऐसे फलों के पौधे जो कि बहुत ही रेयर हैं, रेयर वैरायटी के फ्रूट प्लांट दिखाने वाला हूँ। कौन कौन से पौधे हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में विस्तार से दिखाने वाला हूँ। नर्सरी की विजिट भी कराऊंगा और साथ में दिखाऊंगा कि कौन से ऐसे एक्सोटिक फ्रूट प्लांट्स हैं जो कि आपने नहीं देखे हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं हूं जयप्रकाश और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल जय होम गार्डनिंग। आज के इस वीडियो में एक्सोटिक फ्रूट प्लांट जो कि रेयर वैरायटी के हैं आपको दिखाने वाला हूं। वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा। चैनल पर जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि गार्डनिंग संबंधी में जो भी वीडियो चैनल पर अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टाइम से पहुंच सके। तो बिना देरी करते हुए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। अपना परिचय दीजिए कहां से है और क्योंकि देखिए बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है नर्सरी तक पहुंचने के लिए, तो अपना नाम और नर्सरी का एड्रेस पूरा कंफर्म कर दें। जी मेरा नाम है औसाफ अहमद, मैं मुजासा मलिहाबाद लखनऊ का रहने वाला हूँ, जो कि अवन नर्सरी मलिहाबाद मेन मलिहाबाद में रोड पे हाईवे पे ही है। आपको अंदर कहीं नहीं जाना, मेन हाईवे पे आप आएंगे और तिराहे के थोड़ा बाद में वहाँ पे मेरी नर्सरी है। दो नर्सरी है, किधर है उधर है। हालांकि कहीं भी जाएंगे आपको पता मिल जाएगा कि इधर वाले माना है उधर वाले माना है, क्योंकि फल की वैरायटी जो है वो राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में जो है खाद गमले का काम, बाकी ऑनलाइन का काम तो वहीं से होता है उस वजह। अच्छा, से तो ऑनलाइन जो पौधे हैं आप भेज रहे हैं इस वक्त? ऑनलाइन रोज भेज रहे हैं। तो इनका जो है नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और अवध नर्सरी, और इनका नंबर भी मैं इस पर फ्लैश कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा जिनको प्लांट लेने ले सकते हैं। तो कौन कौन से प्लांट हमारे व्यूवर्स को आप दिखाना चाह रहे हैं आज? जी जो प्लांट्स है सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ ये वाला मिसाइल जामरूल है। अच्छा जी, ये मिसाइल जामरूल देखिए आजकल चल रहा सफेद वाला, वो अब थोड़ा सा चलन में कम हो गया है। और ये देखिए मिसाइल जामरूल किस कलर का होगा ये भैया? जी ये रेड कलर में होता है। अच्छा, व्हाइट जामरूल। अच्छा अच्छा, और इस पे ये है कि खाने में कैसा है? खाने में बिल्कुल मीठा है, बढ़िया। गमले में हो जाएगा? गमले में हो जाएगा। अच्छा अच्छा, देखिए भैया गमले के लिए है मिसाइल जामरूल, बहुत बढ़िया होता है और गमले के लिए है। गमले में भी हो जाएगा भैया? जी जी गमले में हो जाएगा। और कौन सा पौधा दिखाना चाह रहे हैं? ये कौन सा प्लांट है? ये वाला जो प्लांट है जी, सूरीनाम चेरी है। ये देखिए भैया सूरीनाम चेरी, जो बारबाडोस चेरी होती है बहुत खट्टी होती है। जी 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 ठीक है, बड़ी शिकायत आ रही है ये सूरीनाम चेरी है, ये मीठी होगी भैया? ये भैया मीठी होती है, यहाँ के क्लाइमेट में हो जाएगा, हो जाएगी, गमले में उग जाएगी आपके गमले के लिए 16-17 इंच। तो ये आप ऑनलाइन भेज देंगे लोगों को? कहीं भी हो ऑनलाइन तो चला जाएगा। देखिए भैया गमले में भी हो जाएगी और ये वैरायटी है सूरीनाम चेरी, और अभी एक से एक प्लांट आपको दिखाने वाले हैं वीडियो में बने रहे। ये जो है वियतनाम माल्टा है, जो आजकल मार्केट में बहुत भारी डिमांड, मैंने ऑनलाइन में कम से कम 200-250 पौधे भेज चुका हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत सारे ये प्लांट भेज चुके हैं वियतनाम माल्टा। जी जी वियतनाम माल्टा। क्या खासियत है इसकी? खासियत ये कि एक तो ग्राफ्टेड होता है, दूसरी जो है आपके गमले में आ जाएगा, छोटे से पेड़ में आ जाएगा, ये मान लीजिए इस साल लगाइए नेक्स्ट यार आपका फल आ जाएगा इसमें। अच्छा, ये और ये खाने में स्वीट होता है। अच्छा, और इसकी एक और वैरायटी आती है बारेमन माल्टा, वो भी आगे दिखाएंगे। चवन्नी छाप जिसमें बोलते हैं, वो भी मिल जाएगा? वो भी मिल जाएगा। चलिए देख लीजिए भैया, ये प्लांट यहाँ पर देखिए आया हुआ है वियतनाम माल्टा का, लोग ढूंढते रहते हैं कि कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा। देखिए वियतनाम माल्टा जी हमारे पास स्टॉक में मिल जाएगा, कितना भी हो बल्क क्वांटिटी में भी मिल जाएगा यहाँ जी। और कौन सा प्लांट दिखा रहे हैं हमारे व्यूअर्स? चीकू का प्लांट दिखा रहे हैं, ना ये काला पत्ती है ना क्रिकेट बॉल है ना थाई चीकू, कौन सा चीकू है? ये चीकू है बनाना चीकू, लंबा होगा बिल्कुल लंबा, इतना बड़ा होता है, नीचे से बिल्कुल नुकीला होता है, लंबा में होगा। अच्छा लंबा बनाना चीकू बता रहे हैं भैया? बनाना चीकू है, बहुत बढ़िया वैरायटी है, बहुत बढ़िया है, गमले में फलने वाली वैरायटी है। गमले में हो जाएगी? हाँ, गमले में हो जाएगी। अच्छा फल कितने समय में आ जाएगा? फल मान लीजिए अगले साल फूल आ जाएंगे इसके, बाकी देखे कोई भी फल हो 2-3 साल तो उसको फूल तोड़ने थोड़ा टाइम तो लगता ही है। प्लांट दिखा रहे हैं, ये किस चीज का प्लांट है? ये रेड चीकू है, लाल वाला चीकू। इसकी पत्तियां तो अलग है इस चीकू से? जी जी इसकी वैरायटी, ये वैरायटी अलग, लाल चीकू आज तक आपने देखा नहीं होगा, इसीलिए मैं बोल रहा था वीडियो में कि जो रेयर वैरायटी दिखाई जाएगी, ये लाल चीकू है। जी लाल चीकू है। कितना बड़ा होगा ये? लगभग इतना बड़ा साइज में होता है, बिल्कुल लाल वाला बनता है। अच्छा, और खाने में मीठा होता है। अच्छा, और अच्छा गमले के लिए लगभग 16-17 इंच गमले हो उसमें लग जाता है। गमले में हो जाएगा? आराम से हो जाता है। टेरेस गार्डन पर ऑनलाइन भेज देंगे? भेज देंगे। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है भैया, संपर्क कर सकते हैं। कितना पौधा चाहिए? 200-250 सब मिल जाएगा। रेट का थोड़ा सा लोचा ये है कि रेट इसे नहीं बताया जा रहा क्योंकि होलसेल के प्राइस अलग होते हैं, रिटेल के अलग होते हैं, तो
इसलिए नहीं बताया जा रहा, कोई घबराने की बात नहीं, आप फोन कर ले बता दे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो है आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, कॉल व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, कॉल ना करिए, लिस्ट पहुंच जाएगी। हम लोग का होलसेल का काम होता है, थोड़ा कॉल मैनेज कर पाना मुश्किल होता है, इसलिए हमने बता दिया। मैसेज छोड़ दिए जी, टाइम रहते दिन भर में रात तक की मैं मैसेज रिप्लाई कर दूंगा, लिस्ट पहुंच जाएगी, लिस्ट आपके पास पहुंच बैठी है। बहुत ही जो डिमांड में आजकल चल रहा है, सबसे ज्यादा डिमांडेड वैरायटी है कॉटी मॉन मैंगो वैरायटी। अच्छा अच्छा, इसकी बहुत डिमांड आ रही है, इसकी मतलब हमारे पास ऑर्डर लिस्ट आता है तो उसमें एक कॉटीमोन जरूर लिखा होता है उनके ऊपर। कॉटीमोन मैंगो 12 मासी की एक वैरायटी है जो कि गमले में जमीन पर हर समय हो जाएगी और साल में 2 से 3 बार फल लगता है। जब ये पौधा मैच्योर होता है तो ये प्लांट की हाइट देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए करीब 3.5 से 4 फुट का मैच्योर प्लांट है। और यहाँ देखिए इधर पास से देखा, इधर आ जाइए, ये देखिए इसका रूट स्टॉक नीचे का कितना पुराना है और ये जल्द ही फल दे देगा, 1-2 फल आप ले सकते हैं 6-7-8 महीने के अंदर। और ये भी देखिए प्लांट, देखिए कितना हेल्दी प्लांट है, इसीलिए मैं आपको हर चीज दिखाता रहता हूँ। तो ये प्लांट ऑनलाइन में चला जाएगा? हाँ ऑनलाइन चला जाएगा, कहीं ऑनलाइन ऑनलाइन ऑल ओवर इंडिया इनकी डिलीवरी है, पहुँच जाएगा। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और ये देखिए सब यहाँ पर लेमन की बहुत सारी वैरायटी है, लेमन की कौन कौन सी वैरायटी भाई आपके पास है? लेमन अपने पास कागदी है, कुकाट है, सीडलेस है, अच्छा, और बालाजी है, अच्छा, देसी वाला भी है, अच्छा, और सब वैरायटी है। सबसे ज्यादा डिमांड में आजकल कुमकाटी है, कुमकाट नींबू सबसे ज्यादा डिमांड में है और बहुत बढ़िया होता है, प्रचार सबसे ज्यादा करने वाले हम ही। अच्छा, तभी से बिक रहा है और कमर्शियल वैरायटी भी है और जो लोग फार्मिंग करेंगे उनको लाभ होगा। ये कौन सी वैरायटी है भैया? ये जो है रेड वाला शरीफा है, देखिए शरीफा ग्रीन आपने देखा होगा, ये गोल्डन देखा होगा, ये लाल शरीफा भैया, इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये रेयर वैरायटी बहुत कम मिलता है, अवध नर्सरी में मिल रहा है और बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है, नॉर्मल प्राइस पर ये आपको मिल जाएगा लाल वाला शरीफा। और ये देख सकते हैं प्लांट ग्राफ्टेड, जरा पास से दिखा दीजिए, ये देखिए ग्राफ्टेड प्लांट है। तो बहुत सारे अभी प्लांट अभी आपको दिखाने वाले हैं, वीडियो में बने रहें। ये कौन सी वैरायटी है? ये वाला रेड वाला आंवला है। अच्छा अच्छा, ये भी बहुत अच्छी डिमांड है, आपको गमले में फल जाएगा इसका, देखिए आप ग्राफ्टेड पौधा बिल्कुल मिलेगा और हाइट देखिए। अच्छा, ग्राफ्टेड है यानी जल्दी फल आ जाएगा, जल्दी फल आ जाएगा, साल भर के अंदर आ जाएगा। 2.5 से 3 फीट का पौधा है इसका, बड़ा पौधा भी आपको ये देखिए, देखिए इसका बड़ा पौधा है, देखिए गमले में लगा हुआ, इसमें अगले साल फ्रूटिंग, गमला दिखा दीजिए पास से, फ्रूटिंग आ जाएगी ना इसमें जी, ये इसी साल का पौधा है भाई, मार्च में लगाएगा लाल आंवला भैया, बहुत बढ़िया, अगले साल इसमें फल आ जाएगा। तो ये लाल कलर का होगा ना? जी रेड कलर का। इनको लेना है भैया ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, ऐसे नर्सरी में भी आके ले सकते हैं, नर्सरी का एड्रेस स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, खास करके विजिट करके ही ले, ऑनलाइन नर्सरी पे आए ज्यादा अच्छा है, ऑनलाइन भी भैया दे रहे हैं। कहता हूँ ऑनलाइन लेना, थोड़ा बहुत रिस्क आपको लेना वाला जो है रेड वाला कटहल है, लाल कटहल, लाल कटहल अंदर से बिल्कुल लाल निकलता है। अच्छा ये देख सकते हैं और ग्राफ्टेड प्लांट है, मैंने बोला ना ये रेड कटहल है, यहाँ पर मलियाबाद में बहुत कम लोगों के पास उपलब्ध है, वियतनाम वाला तो बहुत है। ये रेड कटहल भैया ने मंगाया है और देख लीजिए प्लांट, प्लांट मजबूत प्लांट देंगे, ये देखिए ये ऑनलाइन में भी आपको मिल जाएगा जी, ऑनलाइन में मिल जाएगा। ये कौन सा प्लांट है? ये ग्राफ्टेड काजू का पौधा है, काजू जी, काजू जो होता है ग्राफ्टेड वाला, देखिए इसमें ग्राफ्ट लगी होगी। हाँ लोग हालांकि ऑनलाइन में देसी उल्टा तो भेज देते हैं, मगर हम लोग एकदम ओरिजिनल भेजते हैं, ओरिजिनल पौधा है भैया, काजू का प्लांट जी, काजू का प्लांट। चलिए नेक्स्ट वैरायटी अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं भैया जी, अब जो दिखाने वाले ये जो है एनएमके गोल्ड शरीफा है। अच्छा, एनएमके गोल्ड शरीफा है, ये क्या खासियत है इसकी? इसका है कि साइज बिग आता है, थोड़ा सा बड़े साइज में आता है और अच्छे कलर में आता है और आपका गमले वगैरह में हो जाता है। अच्छा, इसका देखिए स्टॉक हमारे पास भी, हालांकि हमें फार्म हाउस में भी सब इसका मिल जाएगा, कितनी क्वांटिटी बताया, हाइट भी अच्छी खासी है जी, 3 फीट के ऊपर है, लगभग 3 फीट के ऊपर है। नेक्स्ट प्लांट दिखाइए हमारे व्यूअर्स को, ये कौन सा प्लांट है? ये फालसे प्लांट है, फालसा। अच्छा जी, ये देख सकते हैं भैया, बड़ा वाला है, बड़ा जो होता अच्छा, है फालसा एक छोटा होता है भैया बता रहे हैं, ये बड़ा वाला है, ये बड़ा वाला फालसा, इसका भी पौधा हमारे पास आपको अवेलेबल हो जाएगा हर वक्त अवेलेबल। अच्छा जी, फालसा एक ही बार फलेगा दो बार? ये एक ही बार फलता, एक ही बार फलता लेकिन फल आ जाएगा, इसका बड़ा होता है, मजबूत प्लांट है इनके पास, देखिए ये देख सकते हैं जो नेक्स्ट प्लांट दिखा रहे हैं, बारीवन माल्टाइस, ये बड़ा पौधा है, अच्छा, चौनी छाप वाली होती है भाई मौसम, ये बड़ा है, हालांकि ऑनलाइन में छोटा ही प्लांट जाता है, जो बड़ा अगर लेना चाहेगा उसका उसका रेट अलग होगा। अच्छा, बड़ा प्लांट पाइप में भेज देंगे आप? पाइप में चला जाता है ये, देखिए 4-4.5 फुट का भी जो लेना चाहें तो ले सकते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट प्लांट आपको दिखाने जा रहे हैं, ये प्लांट आपने नहीं देखा होगा, बताइए सर कौन सी वैरायटी है ये? ये जो है मालियाल जामुन है। अच्छा जी, मालियाल जामुन है आपका, ये हालांकि गमले में नहीं लगेगा, आपके जमीन में लगेगा, ये जमीन में लगेगा, ये वैरायटी जमीन की आप गमले में मत लगाइए, ये जमीन की वैरायटी है। अच्छा, और इस पे भी फल आते हैं, इस पे लंबा हल्का लंबा टाइम लगेगा जी, लंबा फल आता है। नेक्स्ट वैरायटी दिखाइए हमारे व्यूअर्स को, इस बार यहाँ पर कुछ नए प्लांट देखने को मिल रहे हैं, ये प्लांट कौन सा है? ये लुकाट का पौधा है, लुकाट, ये ग्राफ्टर लुकाट है, इसमें आप देख सकते हैं फूल भी आ रहा है। अच्छा अच्छा, ये देखिए, हाँ हाँ, ये देखिए फ्लावरिंग भी आ रही है, लुकाट का प्लांट है, तो बहुत जल्दी इसमें फल आ जाएगा जी, जल्दी फल आ जाएगा, ये ग्राफ्टेड है भैया जी, ग्राफ्टेड पौधा हो गया, ये गमले के हिसाब का है, आपके गमले में, गमले में भी लोकार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वैरायटी दिखाइए कौन सी है दोस्तों। अब आपको
और साहब जी कुछ नया प्लांट दिखाने जा रहे हैं, कौन सी वैरायटी है ये? रामफल का पौधा है, जो रामफल फल, अच्छा वो होता है एक, वो जो शरीफा जिसको बोलते हैं, ये रामफल का, ये रामफल है। देख सकते हैं हमारे पास बड़ा पेड़ भी लगा, उसमें फ्लावरिंग पूरी भर के लगी हुई है। अच्छा, ये रामफल है जी? ये रामफल है। अच्छा, खाने में कैसा होता है? खाने में मीठा होता है, और ये ऊपर एकदम सुनहरा सुर्ख लाल कलर आता है। ये गमले में नहीं हो पाएगा ना? नहीं, जमीन का पौधा, ये जमीन का पौधा है, जिनको जमीन में लगाना है, जिसको करना है वो ना, बैकयार्ड में लगाना है तो ये प्लांट लगा सकते हैं, और खेतों में लगा सकते हैं। राम फल का प्लांट सुनहरा फल है, सुनहरा रंग का मतलब आता है सुर्ख लाल। अच्छा अच्छा, तो ये प्लांट आप देख सकते हैं। अब आपको साहब जी कुछ नई वैरायटी दिखाने जा रही है, कौन सी वैरायटी है? ये वाला थाई ब्लैक जामुन है। थाई ब्लैक जामुन, ये तो बहुत बड़े साइज का प्लांट है, बड़ा साइज का, बाकी ऑनलाइन वगैरह में छोटा ही आता है। इसका जो है इसका अलग रेट है, वो ये 5 फीट का प्लांट है। मैसेज करेंगे तो उस पर आपको रेट दे देंगे। ये 4.5 से 5 फीट का प्लांट है। अच्छा, और उसकी क्वांटिटी भी मिल जाएगी होलसेल, मेन काम हमारा होलसेल का काम है। और जिनको ऑनलाइन में लेना है हाई लिख के छोड़ दीजिए, आपको मैसेज में ये बता देंगे कि कॉल का ध्यान रखिए, कॉल नहीं कॉल ना करिएगा, प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग का थोड़ा मानसून सीजन चल रहा है, इसलिए थोड़ा नर्सरी व्यस्त है, क्योंकि होलसेल का काम ज्यादा चल रहा है। 2 घंटे कम से कम बैठे हमारे इंतजार में, तब जाके टाइम मिला, तब जाके शाम भी हो चुकी है, शाम होने वाला, रात होने वाली है। शाम के समय वीडियो बना। ये कौन सा प्लांट है जिसमें फ्रूट लगा हुआ? बहुत छोटे से प्लांट फ्रूट लगा हुआ, कौन सा प्लांट है? ये जो प्लांट है ये आप देख रहे हैं, ये जो है पैशन फ्रूट है। अच्छा, पैशन फ्रूट का प्लांट है ये, देखिए छोटे से पौधे में फल लगा हुआ है, और ये हाइब्रिड वाला है जो ग्राफ्टेड से होता है, और बहुत ही आसानी से आप इसे गमले में जी, गमले वाला है, ये क्रीपर होता है, क्रीपर पेड़ होता भी होता है, क्रीपर होता है, चढ़ाने के लिए आप आसानी से लगा सकते हैं जी। देख सकते हैं बहुत बढ़िया प्लांट। और साहब जी ये कौन सी वैरायटी है? ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं ब्लूबेरी का पौधा है, देख लीजिए दोस्तों, ब्लूबेरी भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। ये प्लांट बहुत रेयर है, और मलियाबाद में मैंने किसी नर्सरी में नहीं देखा ब्लूबेरी का प्लांट। ये ऑनलाइन मिल जाएगा? हाँ, ऑनलाइन मिल जाएगा, लेकिन ऑनलाइन में 2 महीने नहीं बेचते, क्योंकि जून जुलाई में अच्छा बाहर से पौधे आते तो रास्ते में खराब हो जाते, डेड हो जाते, पत्ती गिर जाती। अच्छा, तो अभी तो भेज रहे हैं, अभी अगस्त का महीना आ गया ना, अभी बिल्कुल ठंडा मौसम हो गया, बिल्कुल अब ये जो है लायक है ऑनलाइन भेजने का, हमारा मंगाने। ऑनलाइन भेज देंगे आप? हाँ, भेज देंगे। ब्लूबेरी का प्लांट कौन सी वैरायटी है साहब? ये जो है रूबी लंगन है। अच्छा, रूबी लंगन जी, रूबी लंगन मतलब फूल आ रहा है जी, फ्लावरिंग देख सकते, हाइब्रिड है ना, ग्राफ्टेड वाला। अच्छा अच्छा, देख लीजिए ग्राफ्ट इस पे बंधी हुई है, ये देख लीजिए इसका ग्राफ्ट यहाँ बंधा हुआ है, और ये देखिए फ्लावर भी आ रहा है। ये प्लांट आपके यहाँ मिल जाएगा? मिल जाएगा, क्वांटिटी मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा, जिनको लेना है इनकी नर्सरी पे भी आके ले सकते हैं जी, विजिट करके ज्यादा अच्छा। अच्छा, तो नेक्स्ट प्लांट दिखाइए। और साहब जी ये कौन सी वैरायटी है? ये जो आप देख रहे हैं नई वैरायटी आई है अभी हमारे पास, ये अच्छा, स्वीट लेमन है। स्वीट लेमन जी, ये स्वीट लेमन है, ये मीठा नींबू होता है। अच्छा अच्छा, ये गमले के लिए होता है, खास करके आपको गमले के लिए है। टेरेस गार्डन में जो लोग ये लगाना चाहते हैं आसानी से लग जाएगा, स्वीट लेमन बहुत बढ़िया वैरायटी है, 12 इंच गमले में हो जाएगा। पता था छिलका समेत खा सकते हैं इसको? हां, छिलका समेत ऐसे तोड़िए, बस खा डालिए, खा डालिए, वॉश करके खाएं, ऐसे ना खाएं, धो के खाइएगा। वैरायटी भाई अंगूर की जो है, सीडलेस अंगूर है, मैं देख रहा हूं ग्राफ्टेड है ये जी, ये ग्राफ्टेड पौधा है। अच्छा, सीडलेस अंगूर है, ग्राफ्टेड बीज नहीं होगा? नहीं, बीज नहीं होगा। अच्छा, सीडलेस और मीठा होगा, जो क्लाइमेट में खट्टा होता है, ढूंढ रहे हैं सीडलेस अंगूर, इन्हें बीज वाला अंगूर ये यहाँ मिल जाएगा, ग्राफ्टेड प्लांट है भैया। और जो इसका साइज भी लंबा होता है, खास बात है कि साइज इसकी कम से कम 2 से 2.5 इंच साइज होता है। अच्छा अच्छा, लंबाई में होगा होगा। अच्छा, ऑनलाइन चला जाएगा? हाँ, ऑनलाइन में चला, हमने भेजा भी कई बहुत लोग, जिनको भैया अंगूर लेना है जी लिस्ट मंगा लीजिएगा, प्राइस लिस्ट भेज देंगे भैया। ये प्लांट कौन सा है? ये जो आप देख रहे हैं ये जो है वेरीगेटेड अंजीर है जी, फिग फिग। अच्छा, ये वेरीगेटेड अंजीर है, जो कि अभी तक बहुत कम ही लोगों ने इसको देखा होगा। इसका फल भी मैं देख रहा हूँ, वेरीगेटेड फल आ रहा है, इसका फल जो है जैसे आपका कॉमन अंजीर होता है उस साइज उतना ही बड़ा होगा। अच्छा अच्छा, देखिए 2 फल इधर लगे हुए, 2 फल ऊपर लगे, एक नीचे लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, और ये आपके गमले में बहुत ईजी तरीके, जब देखिए 6 इंची का पॉट सिर्फ लगा है, तब देखिए इतना खूबसूरत पौधा है। यहाँ देखिए भैया, यहाँ भी एक अंजीर लगी हुई है 6 इंची के पॉट में, हाल सोचिए आपके 12-14 इंच गमले में जाएगा तो कितना बड़ा होगा। बहुत ही खूबसूरत प्लांट, आप चाहे टेरेस पर आसानी से इसे गमले में लगा सकते हैं। ये कौन सी वैरायटी है? ये जो आप देख रहे हैं जामुन, जो कि आजकल के बहुत ट्रेंड में, मतलब अच्छा, जब से ये आया तो थाई वाई जामुन आदमी भूल गए। अच्छा अच्छा, ये जो KG10 जामुन, KG10 जामुन जिसकी बहुत डिमांड है, और 1 किलो में करीब कहते हैं कि 10 से 12 जामुन चढ़ते हैं, ये वही वैरायटी है, और ग्राफ्टेड प्लांट है इनके यहाँ, ये प्लांट मिल जाएगा जी। और साथ में और कौन सी वैरायटी दिखाने जा रहे हैं हमारे व्यूअर्स को? ये जो आप नई वैरायटी का चीकू देख रहे हैं, सिल्वर चीकू, ये देखिए सिल्वर कलर का चीकू आएगा, देखिए जैसे पत्ते वही फल। अच्छा जी, अच्छा, पत्ते भी वैसे सिल्वर कलर, सिल्वर सेम वही जो है वैरायटी में आपका फल भी आएगा। खाने में कैसा है ये चीकू? खाने में भी मीठा होता है, तो आप देख सकते हैं चीकू तो सबसे मीठा फल होता है, चीकू बहुत मीठा होता है, और बहुत सारी वैरायटी हमारे हाथ में। ये 2 प्लांट है, और ये एक ऐसे प्लांट है जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है, आप साहब जी खुद ही बताएंगे कौन सा प्लांट है। ये जो आप देख रहे हैं ये पिंग पोंग लॉन्गन है। अच्छा, लॉन्गन जो आपका रेड कलर का लॉन्गन आता है। अच्छा अच्छा, पिंग पोंग लॉन्गन जी। एक तो आता है व्हाइट, हल्का व्हाइट टाइम में आता है, ये ब्रेड टाइम में आता है, लीची की तरह होता है खाने में, लीची की तरह खाने में होता है। ये कौन सी वैरायटी है? ये जो आप देख रहे हैं 4 सीजन लॉन्गन है, मतलब साल में 4 बार कम से कम फल आएगा। 4 सीजन लॉन्गन जो की रेयर वैरायटी है, सब ग्राफ्टेड है। देखिए मलियाबाद में ये प्लांट किसी के मैंने नहीं देखा, और यही अवध नर्सरी में मुझे ये दिखाई दिया, और ये प्लांट
ऑनलाइन मिल जाएगा? ऑनलाइन मिल जाएगा सर। आप प्राइस लिस्ट मंगा लीजिएगा, वहाँ से देख सकते हैं इसका क्या रेट है। हाई लिख के, खाली हाई लिखना है व्हाट्सएप में, आपको लिस्ट पहुँच जाएगी। समय रहते ही लिस्ट भेज देंगे। भेज देंगे, ये देख सकते हैं बहुत बढ़िया वेरायटी। कौन सा प्लांट है भैया? ये जो है लाल वाला आमदा, इसको आमदा अपने आप कहते हैं अंबार। अच्छा अंबार, लाल वाला अंबार। खाने में वाला, खाने में कैसा है? खाने मीठा होता है, लाल अचार के लिए जाता है, हालांकि हरा वाला लेंगे तो खट्टा ही होगा। बहुत बहुत ये लाल कलर का, लाल वाला होगा, ये मीठा होगा। ये ऑनलाइन चला जाएगा? ये कौन सी वेरायटी है भैया? ये जो है स्वीट स्टार फ्रूट है। अच्छा, ये जो है बड़ा पौधा है, चार फीट का, हालांकि ऑनलाइन में छोटा जाता है। अच्छा, ये देखिए पुराना और बड़ा पेड़, ऑफलाइन में आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन चला जाएगा, बस वेट इसका ज्यादा होगा, कम से कम वेट 6 किलो का होगा। खर्च करने पड़ेंगे, 6 किलो का वेट है, ये भी चला जाएगा। ऑनलाइन में आप 10 फीट मंगाइए, हम भेज देंगे, हमारा तो काम ही। लेकिन थोड़ा वेट है, कोरियर चार्ज आपको, हिंदुस्तान में कोरियर चार्ज बहुत महंगा है, इसी वजह से प्लांट की कीमत कुछ नहीं, लेकिन कोरियर चार्ज ज्यादा हो जाएगा। तो खाने में काफी अच्छा है, स्वीट वाला मीठा, गमले में हो जाएगा? हाँ, गमले वाला। ये कौन सा प्लांट है भैया? ये जो है सुपर भगवा अनार है। अच्छा, ये बारह मास वाला है, साल में इसमें दो बार फ्रूटिंग होती है, गमले वाला होता है अनार। अच्छा, गमले में हो जाएगा? एकदम भगवा रंग का इसका कलर होता है। अच्छा, और अच्छी वैरायटी का है। जो व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या उनको आप ऑनलाइन भेज देंगे? ऑनलाइन चला जाता है, ऑनलाइन चला जाएगा भैया, ठीक है। और रेट जो है व्हाट्सएप पे आपको, अनार की जितनी भी वैरायटी है सारी वैरायटियों के प्राइस लिस्ट आपको भेज दिया जाएगा, और जो पसंद आएगा ये भैया आपको भेज देंगे, ठीक है। दोस्तों, इस वक्त काफी अंधेरा हो चुका है, और आप जिनने हमें बहुत सारे एक्सोटिक फ्रूट प्लांट जो कि रेयर वैरायटी के थे दिखाए, और इनका कहना है कि जिनको भी प्लांट चाहिए ऑनलाइन में हाई लिख के खाली व्हाट्सएप पर छोड़ दीजिए, प्राइस लिस्ट पहुंच जाएगी, और जो पसंद आएगा पौधा आप ले सकते हैं इनसे। सही बोला ना मैंने? और पौधे दिखा कर ही देते हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बहुत लोग फोन डायरेक्ट कर देते हैं। क्या होता है कि मान लीजिए एक साथ 500 लोगों ने फोन किया तो कहाँ उठा पाएंगे। और ऑनलाइन का काम इस वक्त अवध नर्सरी में यही देख रहे हैं। इनका अपना नाम बता दीजिए फिर से एक बार। मेरा नाम है औसाफ अहमद जी। और किस कुरियर से भेज रहे हैं ज्यादातर यहाँ पर? ये DTDC से जाता है, DTDC से जा रहा है। और जैसे ट्रेन वगैरह लोग कहते हैं ट्रेन से भेज दो, तो ट्रेन का ये है कि आपके कम से कम 5-6 हजार से ऊपर का आपका अगर प्लांट हो तो ही भेज सकते हैं। प्लांट क्या कस्टमर को दिखाया जाएगा? पहले प्लांट दिखाएंगे, प्लांट दिखाया जाएगा कस्टमर पहले को। आपका पेमेंट होगा, आप हम अपना ऑर्डर बुक में नोट कर लेंगे। क्या ऐसे दिखाने लगेंगे तो दिन भर में 100 मैसेज आते हैं, हाँ, कहाँ तक प्लांट दिखाएंगे सब? तो प्लांट दिखा के भैया देंगे। पहले आपका ऑर्डर बुक होगा, उसके बाद आपको जब ऑर्डर बुक हो जाएगा उसके जब पैकिंग करेंगे तब आपको फोटो सारे देंगे संतुष्टि के साथ, बिना फोटो। अगर आपके पास पौधा चला जाए, अगर मर जाए उसकी रिप्लेसमेंट भी देंगे। अच्छा, रिप्लेसमेंट देंगे अगर कोई पौधा बिना फोटो के आपको पता चला जाए, बिना दिखाए अगर भेज दिया, दिखाए चला जाए, अगर मर गया आपको उसकी रिप्लेसमेंट देंगे। पहले फोटो दिखाएंगे। बाकी तो पौधे इनके बहुत अच्छे जा रहे हैं, मेरे पास कोई कंप्लेन नहीं, बहुत बढ़िया जा रहा है। बाकी 100 में एक दो तो खैर आते हैं, एक दो तो। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब चलते हैं।